नमस्कार भैया, ये है क्या चाल लाल यादव के बड़े वाले भैया, ये अपने भैया हैं। ये तो हम बोले कि हम तो इस टाइम में दूर हैं। अच्छा, और आप तो दूर हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय ब्लॉग। तो गाइस, आज हम जा रहे हैं हमारे भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव। जी हाँ, आप लोगों ने सुना भी होगा खेसारी लाल यादव के कितने बड़े सुपरस्टार हैं वो भोजपुरी सिनेमा के। तो आज हम उनके घर पे जा रहे हैं बिहार में। तो मैं बिहार में था तो मैंने सोचा चलो भैया के पास उधर घर पे चलते हैं उनके। तो मुझे लग रहा है खेसारी लाल यादव जो भैया हैं सुपरस्टार, वो तो अभी शायद घर पे नहीं है, उनके जो बड़े वाले भैया हैं उनके पास जा रहे हैं हम। तो चलते हैं फिर जल्दी से अपने भैया के पास। लास्ट तक बने रहना ब्लॉग में, आप लोगों को मजा आएगा, एंजॉय करना, देखना। खेसारी लाल यादव भैया का घर भी दिखाएंगे आपको, ठीक है? तो ब्लॉग में लास्ट तक बने रहना, मजा आएगा। चलते हैं जल्दी से फिर। वो छपरा सिटी में गाइस, छपरा सिटी बिहार के अंदर, खेसारी लाल यादव हमारे भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार जो हैं उनके घर पे जा रहे हैं। या तो सुपर क्या नाम है, खेसारी लाल यादव भैया मिलेंगे, वो नहीं मिले तो उनके बड़े वाले भैया जो हैं उनसे मिलना है हमें। बिहार के अंदर एक छोटा सा बाजार देख सकते हो गाइस, ऐसी कुछ मार्केट होती है यहाँ पे। जा रहे हैं रास्ते में कर निकलते हुए। बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है यहाँ पे भी गाइस। गाइस पहुंचने वाले हैं बस, थोड़ा नियर बाय आ गए हैं भैया के घर के। क्या नजारा यार गांव की और इधर की, बात ही अलग है। वैसे अपना देसी सब कुछ नेचुरल, पेड़ पौधे सब कुछ अपना, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो गाइस हमने गाड़ी रोक ली है यहाँ पे और कई दिन हो गए एक्सरसाइज नहीं हो पा रही हमारी बॉडी की। तो रोड पे थोड़ी बहुत अपनी एक्सरसाइज मार लेते हैं, जल्दी से फिर चल देते हैं भैया के यहाँ पे। बहुत दिन हो गए, काफी दिन हो गए, बॉडी भी अपना समझ रहे हो ना, मजा नहीं आ रहा, मतलब क्या बताऊं, अच्छा फील नहीं हो रहा। तो थोड़ी एक्सरसाइज कर लें, थोड़ी बहुत 50 ग्राम। गाइस कर लेते हैं एक्सरसाइज, जल्दी से कर लेते हैं। अपने भाई लगातार पुशअप मार रहे हैं, धड़ाधड़ नॉन स्टॉप। शाबाश। तो गाइस देख रहे होगे बंदर की तरह मुंह हो गया लाल। तो एक्सरसाइज दूसरी एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है? ये पहली हो गई अपना, दूसरी थोड़ी बहुत हो पाएगी। यहाँ देखो जिम वगैरह अपना वो सब है नहीं, देसी जब जिम वगैरह ना हो अपना देसी एक्सरसाइज का सहारा ले लेना चाहिए। एक्सरसाइज कर लिए, ठीक है, थोड़ा बहुत अपना जो भी है, चलते हैं जल्दी से फिर। तो गाइस जैसा कि आपने देखा होगा 50 ग्राम एक्सरसाइज कर लिए, जल्दी से आ गए हम भैया के गांव में। ये गांव है भैया का, बस आधे से 1 किलोमीटर की दूरी है। मतलब ये भैया का गांव खेसारी लाल यादव
भोजपुरी भोजपुरी सिनेमा के जो सुपरस्टार हैं उनका गांव है। ये रहा, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं। तो गाइस ये देखो भैया, भैया का नाम, भैया का मतलब पोस्टर जो भी ऐड कर रहे हैं, देखो उनके गांव में भी लगा हुआ है। खेसर लाल ये है भैया। दूर रह गई है बस, पुराने पुराने घर हैं भैया के गांव में भी। और ये गाइस बच्चे कंचे खेल रहे हैं देखो। तो गाइस ये खेसर लाल यादव भैया का घर जो नया घर है बन रहा है, जैसा कि आप देख रहे होगे, बहुत ही शानदार कोठी बना रहे हैं भैया। अभी देख रहे हो ये चौबंदी हो रही है घर के, ये गेट है ब्लू कलर का, चारों तरफ कितना ऊंचा मकान बना रहे हैं भैया। देखो मिलते हैं भैया से, उतर के चलते हैं जल्दी से, कितना बड़ा घर बना रहे हैं, चलते हैं। लगा दे भी लटके। वैसे ये है भैया का घर जैसा कि आप देख रहे हो, दूर दूर तक हरियाली हरियाली चले। तो गाइस क्या कहते हैं, अपनी कार को कर लेते हैं अंदर भैया के घर में। तो वो बोल रहे हैं कि कार को अंदर ले आओ, हाँ मत खड़ी करो, तो हम कार को अंदर ले जा रहे हैं। ठीक है, दिखाते हैं आपको, ब्लॉग में बने रहना, मजा आएगा आप लोगों को। भैया से मिलाते हैं, उनके बड़े वाले भैया से, उनके पापा जी से मिलाते हैं। ठीक है, मजा आएगा आप लोगों को भी, ब्लॉग को लास्ट तक देखना। ये उनका घर है, देखो कितना बड़ा घर है भैया का बन रहा है, जो देख रहे होगे आप गाइस, मजा आएगा आप लोगों को भी देखने में। ये कार को लगा देते हैं यहाँ पे। तो गाइस ये भैया का घर, और गाइस जा रहे हैं भैया के घर के अंदर। देखो बिहार नंबर है भैया की स्कॉर्पियो, इधर से रास्ता। नमस्कार भैया, ये है खेसर लाल यादव के बड़े वाले भैया, ये अपने भैया हैं। ये तो हम बोले कि हम तो इस टाइम में दूर हैं। अच्छा, और आप तो 2 बजे के बाद। हाँ बता रहे थे वो कि हमको, देख रहे हो कितना अच्छा लग रहा है, पेड़ पौधे। क्या भैया ने खेसर लाल भैया ने सोचा ये सब कोठी वगैरह बनाने का, इतना बड़ा सब कुछ। देखो पैसे की कमी नहीं, सब कुछ ऊपर वाले की कृपा है, पैसे तो भर भर के है भैया के पास। ये भैया के चारों तरफ बाउंड्री हो रही है। ऊपर चले, एक और फ्लावर भैया का, भैया बोलो टे वो बड़े वाले। अब चलते हैं 3rd फ्लोर पे। तो 3rd फ्लोर तो क्या नजारा है यार, बहुत ही ज्यादा, बस क्या बताएं। देख रहे हो सेलिब्रिटी का, भोजपुरी सिनेमा के बहुत ही बड़े सेलिब्रिटी हैं खेसारी लाल यादव, सुना होगा आप लोगों ने। ये देख लो सेटिंग वगैरह लग रही है भैया के घर पे, ऊपर का काम चल रहा है और ऊपर से गांव का नज़ारा कुछ ऐसा दिख रहा है। देखो
हो गए। और ये देखो पीछे भाई, गांव में रखे बम्बई जैसा भैया ने थोड़ा डेकोरेट करा, पेड़ वेड़ लगा के। पीछे दिख रहे होंगे पेड़, कितने बड़े बड़े पेड़ हैं, देख रहे होगे आप। बिहार के अंदर भैया का घर है, एक गांव है छोटा सा, तो उसके अंदर भैया ने बहुत ही बड़ी कोठी बनाई है, व्हाइट हाउस के नाम से इसका नाम धरा गया, व्हाइट हाउस करके। और अभी 3 साल हो गए इसे काम चलते हुए। पीछे नारियल नहीं, दूसरा पेड़ है ये, नाम मुझे याद नहीं, बहुत ही अच्छे पेड़ लग रहे हैं। ये रोड जा रहा है भैया घर के पास से, और एक गांव में ही है भैया ने गांव में कोठी बनाई है। देखो तो इंसान के पास नाम हो जाता है, एक फेम हो जाता है, नाम है, पैसा है, सब कुछ है, तो इंसान एक गांव में अपनी पहचान, मतलब अपना घर भी भैया बहुत ही अच्छे से बना रहे हैं। इसे व्हाइट हाउस इसका नाम दे रहे हैं, व्हाइट हाउस के नाम से। तो बड़े वाले भैया हैं वो, उनसे मिलवाते हैं कुछ बात, देखो थोड़ी बात करते हैं अभी। ये देखो वो खड़ी हमारी कार, कितनी छोटी दिख रही है वो, और ऊपर से ये रही छोटी दिख रही है। ये रहा भैया का फ्रंट का घर का, आगे से कुछ ऐसा नज़ारा दिखता है भैया के यहाँ से कोट। गाइस ये केसरी लाल यादव भैया का घर, और ये दिखाता हूँ मैं आपको कुछ आगे का नज़ारा, यहाँ से खेत खलियान इनके कैसे दिखते हैं, गांव है, गांव के अंदर बहुत ही बड़ी कोठी व्हाइट हाउस के नाम से इन्होंने बनाई है। अभी क्या कहते हैं, अब कंप्लीट नहीं हुई है, 3 साल हो गए बनते बनते, कंप्लीट हो जाएगी जब, देखना क्या नज़ारा होगा यहाँ का। भैया की कोठी है, यहाँ से थोड़ा गाँव का नज़ारा दिखा देता हूँ आपको, देख सकते हो पीछे। ये पीछे ट्रैक्टर चल रहा है, ये इसमें काम चल रहा है, 1.5 करोड़ रुपए लग चुका है सिर्फ ट्रैक्टर में। इतनी मोटी मोटी भाई क्या बताएं, 20 mm से ज्यादा की मोटी मोटी सरियां पड़ी हैं इसमें, क्या बताएं भाई। और भैया वो बिल्कुल घमंड नहीं है, बहुत ही अच्छे इंसान है बड़े वाले भैया भी। गाइस चलते हैं नीचे भैया के पास, उनके बड़े वाले भैया जो हैं, थोड़ा उनसे बात करते हैं। तो गाइस ये हैं केसरी लाल यादव के बड़े वाले भैया, हमारे भैया हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं, ये देखो नमस्कार प्रणाम, जैसे कि बहुत दूर से आए हैं, हमारे पुराने मित्र हैं, नोएडा से आए हैं, और हम आप लोगों से विनती यही करेंगे कि इनके चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट बराबर करते रहें, और ये आते भी रहेंगे यहाँ पे, परिवार से जुड़े हुए आदमी हैं ये, वहाँ भी हम लोग एक जैसे ही रहते हैं नोएडा में, बिल्कुल बिल्कुल, और ये प्रॉपर वहीं के हैं, हमारा भी घर नोएडा में है, तो वहाँ मिलते जुलते भी हम रहते हैं, आपस में एक जगह रहते हैं, और आज ये बिहार में आए हुए हैं, तो ये हमारे नए वाले घर पर ही हम लोग आज बैठे हुए हैं, और बैठ के अब यही है कि आप लोग से विनती यही रहेगा कि थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए। तो भैया हैं कुछ दोबारा कुछ कहना चाहेंगे? दोबारा यही कहना है कि इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और बाकी हम नोएडा में रहते हैं, भैया का भी घर है, तो वहाँ हम मिलते जुलते रहते हैं, और आज ये बहुत दूर से नोएडा से ही चल के आए हैं, तो नए वाले घर पर हम लोग अभी बैठे हुए हैं, भैया का नया वाला घर है, तो मैं आ रहे थे तो हमने सोचा अब अरे भैया का भी मतलब घर है तो वहाँ पे चलते हैं, मौका मिला हमें भी, जब आए हैं तो भैया के घर पे ज़रूर चलेंगे, मिलके चलेंगे भैया से, तो इसलिए हम भी यहाँ पे भैया के नया वाला घर बन रहा है, 3 साल से बन रहा है भैया का, तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, जब कंप्लीट होगा तो एक बार इनवाइट करेंगे फिर से आप लोगों को, और सब लोग आइएगा, आमंत्रित टोटल लोग आमंत्रित हैं यहाँ के लिए, तो बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही दिल के साफ हैं भैया, बहुत ही आप यकीन नहीं मानोगे, बहुत ही अच्छे इंसान हैं, जितना वर्ड बोलूँ ना वो कम है, इतने देखो एक सेलिब्रिटी इंसान हो के भी बिल्कुल घमंड नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, बहुत ही दिल के साफ हैं,
बहुत ही अच्छे इंसान है। खेसारी जी होते तो मिलवा देते इनको, लेकिन अभी यहाँ पे है नहीं वो, वो तो शूटिंग पे है। बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया, वो बिजी देखो इंसान सेलिब्रिटी काम होता है काफी, तो अभी वो यहाँ पे है नहीं। नेक्स्ट टाइम जब आएंगे भैया तो जरूर बुलाया जाएगा, तो एक बार नोएडा में भी प्रयास करेंगे कि मिलवाएं। बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ भी एक फार्म हाउस लिया गया है अभी नोएडा भैया का, वहाँ पे भी फार्म हाउस है, कभी मौका मिला तो वहाँ भी जाएंगे, आप लोगों को दिखाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से निकलते हैं जल्दी से अपना नोएडा के लिए, फिर उसके बाद आपको और नेक्स्ट ब्लॉग अच्छे से दिखाएंगे, और ब्लॉग को लास्ट तक देखना। दूसरे वीडियो में मिलेंगे, दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए अपना नमस्कार। ठीक है, और क्या कहते हैं हमारे तो बुजुर्ग मतलब पापा के समान है, उनसे और थोड़ा वेट कर लेते हैं, मिल लेते हैं, हाँ जो भी है। ठीक, तो गाइस चलते हैं भैया के पिताजी के पास, उनके पास, उनसे मिलते हुए चलते हैं, जिन्होंने भैया को देखो इस दुनिया में लाया, जो अपने पूरी दुनिया में एक नाम है भैया केसर लाल यादव का। ये उनका घर है, पीछे देख सकते हो यहाँ से भी ऐसा दिख रहा है, कितना खूबसूरत है, जब बन के तैयार हो जाएगा जब और ही दिखेगा। तो मिल लेते हैं उनसे भी। नमस्ते, ये भैया के पिताजी, देखो भैया ने भैया को दुनिया में लाया है, एक बहुत ही बड़ा नाम है भैया का दुनिया में, दुनिया जानती है भैया को, केसर लाल यादव, तो उनके पिताजी हैं। जल्दी से चलते नोएडा के लिए, चलते ले, ठीक है चलते हैं, चलते हैं। तो गाइस चलते हैं, ये रहा भैया का, देखो अभी इनकम्प्लीट हुआ है ट्रैक्चर वाला, से एक बार दिखा देता हूँ लास्ट बार, फिर यहाँ से हम निकल रहे हैं जल्दी से, ऐसा दिखता है। ठीक है, ये कंप्लीट हो जाएगा और फिर यहाँ पे फिर आएंगे जब ये कंप्लीट होगा। वाइट हाउस पे आएंगे दोबारा, ये वाइट हाउस नाम दिया गया है इसका। भैया के घर से निकल जाते हैं, बाय बाय बाबू। ये उनके भतीजे हैं, केसर लाल भैया के भतीजे, ये निकल गए भैया के यहाँ से हम। तो गाइस आपने देखा होगा कैसे भैया ने, देख रहे हो कितने बड़े सेलिब्रिटी हैं, फिर भी नाम को घमंड नहीं है, तो देखो वो ऐसा होता है इंसान। ये था भैया का अपना, जो भी हमने आपको दिखाया, ठीक है, भैया का घर है, बन रहा है, जो भी है बताया हमने आपको। तो ब्लॉग को करते हैं स्टॉप, और हम यहाँ से अब जल्दी से निकलते हैं अपना नोएडा के लिए, मिलेंगे किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अब थोड़ा इजाज़त चाहेंगे। और भैया देखो मेहनत कर रहे हैं, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना, और ब्लॉग को लास्ट तक देखा करो। ठीक है, जल्दी से यहाँ से निकलते हैं, फिर अपना पहुँच जाते हैं नोएडा। ठीक है, और हो सकता है एक ब्लॉग या तो कल या परसों एक ब्लॉग और आने वाला है इंटरेस्टिंग, वो भी देखना, आपको मजा आएगा। ठीक है, गाइस ये बिहार के अंदर देख लो कोयला कैसे पड़ा हुआ है, और यहाँ के डिजिटल कांटे नहीं है, यहाँ पे अपना देसी जुगाड़ है, और ये रहा एक ढेर कोयला ही कोयला, जिससे थोड़ा तो गाइस मैं अभी रोड के पास में मैं रुक गया हूँ, हो रही हमारी कार, वो पार्क कर दिया हमने, तो हमें अभी एक खेत में ये पेड़ वगैरह देखना है, अच्छे लग रहे हैं, थोड़ा रुक के हम थोड़ा कुछ व्यू दिखा देता हूँ बिहार का। ये लोग खेत में काम कर रहे हैं अपना मॉर्निंग में, बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, बहुत ही अच्छा। गाइस ये धान है, चावल की खेती, जैसा कि आप देख रहे होगे ये चावल है, और ये बहुत ही सुंदर पेड़, बहुत ही सुंदर पेड़। गाइस भैया का अभी ये बना नहीं है, 11 करोड़ रुपए का भैया का व्हाइट हाउस है ये,
11 करोड़ रुपए की लागत लगेगी इसमें। अभी देख रहे हो जैसा आपने देखा होगा इनकम जो भी भैया फिर क्या कहते हैं अभी तैयार हुआ नहीं है। देख रहे हो सेलिब्रिटी के घर कितने कितने महंगे होते हैं, इतने बहुत ही ज्यादा। अब जब तैयार हो जाएगा बनके तब चलेंगे, बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। देखा होगा आपने भैया बोल रहे थे अभी बना नहीं, जब तैयार हो जाएगा बनके कंप्लीट हो जाएगा तब हमें भी जाना पड़ेगा बोल रहे, सुना होगा जैसे भी आपने इन्वाइट कब उन्होंने बोला था। तो मजा आएगा तब और देखना धूमधाम कैसा है। भाई बहुत भीड़ होती है, बहुत भीड़ होती है। हमें तो वीडियो वगैरह दिखा रहे थे, हमने खुद ने देखे हैं। फूड इतनी फॉर्चुनर थी क्या बताऊं, पूरा मतलब पुलिस फोर्स बाउंसर वगैरह पूरी सिक्योरिटी सिस्टम रहता बहुत ही बड़ा। तो बहुत दूर दूर तक पब्लिक मतलब परेशान, मतलब एक फोटो क्लिक कराने के लिए कि भैया हमें फोटो क्लिक करनी है, फोटो खिंचानी है वगैरह वगैरह, वो सब कराने के लिए बहुत बहुत दूर से लोग आ जाते हैं। बस नाम सुनते हैं कि भैया आ रहे हैं, बहुत दूर दूर से पहले ही अपना पहले लग जाते हैं कि हम फोटो क्लिक करा लेंगे, इसलिए भैया घर पे पहले पहुंच जाते हैं ये सब। फिर बहुत पुलिस और सब सिस्टम रहता है उनके पास, इसलिए अपना देखो सेलिब्रिटी लोग हैं तो पुलिस सिस्टम ये सब अपना सिक्योरिटी उनके साथ होना जरूरी है, वो रखते हैं अपने साथ। जैसे व्हाइट हाउस बनेगा फिर दिखाऊंगा आपको ब्लॉग, दो एक ब्लॉग बनाऊंगा एक और कोशिश करूंगा उस टाइम तो आपको फिर दिखाऊंगा, ठीक है। तो भैया ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग मुझे भी लगा है, और क्या कहते हैं देखो मेहनत करते हैं हम भी तो आप सब। ये ट्रेन जाते हुए कितना अच्छा लग रहा है, देख रहे हो ट्रेन, ये रही ट्रेन जा रही गाइस, देख रहे हो कितना मजा आ रहा है। बचपन में कभी जाते थे तो देखते थे, बचपन की यादें ताजा।